बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां पर पूर्व विधायक की पत्नी ने भाजपा पर आरोप लगाया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव मैदान में इस बार आशा चंद्रा सामने हैं। आरएलडी ने आशा चंद्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के चलते आशा चंद्रा को धमकाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव मैदान में सामने आने पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा चंद्रा पूर्व विधायक एम चंद्रा की पत्नी है, जो धनौरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां पर पूर्व विधायक की पत्नी आशा चंद्रा ने भाजपाइयों पर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि किसी भी तरह का दबाव उन पर ना बनाया जाए और स्वतंत्रता के साथ उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। मैं आशा चंद्रा, पत्नी श्री स्वर्गीय श्री एम चंद्रा जी, जो पूर्व विधायक मंडी धनौरा से, मैं शासन से एक अपील करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं सबको पता है कि मैं ब्लॉक प्रमुख ही लड़ रही हूँ मंडी धनौरा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हूँ। मुझे बीजेपी के सदस्यों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि किसी भी तरह का अनैतिक दबाव, जैसा कि मेरे सदस्यों के ऊपर, मेरे जो फॉलोअर्स हैं मेरे, उनके ऊपर डाला जा रहा है, अब मुझे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुझे भी धमकियाँ दी जा रही हैं। शासन से, प्रशासन से मेरी यही इल्तिजा है, यही अपील करती हूँ मैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 10 तारीख को, बिल्कुल क्लियर हो, किसी भी तरह का दबाव ना हो और कोई अनैतिकता ना अपनाई जाए। किस तरह दबाव दिया जा रहा है आपके जो समर्थक हैं उन्हें? मेरे समर्थकों को दबाव दिया जा रहा है। किसके द्वारा? बीजेपी के साथ जो पार्टी जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी तरफ से मुझे, मेरे प्रत्याशियों को। बीजेपी किसको मोरा बना रही है दबाव बनाने के लिए? मेरे प्रत्याशियों को, जो मेरे साथी हैं। कोई पुलिस के द्वारा कर रहा है? हाँ, पुलिस के द्वारा भी और जो कद्दावर नेता हैं उनके द्वारा भी दबाव डलवाया जा रहा है। तो ऐसे में बताइए मैं क्या करूं? तो किसी का डर सता रहा है, कोई पर्चा को क्या? बिल्कुल कहा जा रहा है कि पर्चा नहीं भरने देंगे, बीच में से गायब कर लेंगे। क्या ऐसा जायज है ये सब कुछ करना? कोई पर्चा कैंसिल का डर सता रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, पर्चे का कैंसिल का मुझे डर सता रहा है कि कभी भी जैसा सकीना बेगम के साथ करा गया, कहीं मेरे साथ ना भी सब दोहराया जाए। क्या चाहते हो? क्या चाहते? मैं ये चाहती हूँ कि बस किसी का भी पक्ष ना लेते हुए बिल्कुल इस इलेक्शन को क्लियर तौर पे करा जाए, निष्पक्षता से करा जाए, जिससे शासन के प्रति भी और प्रशासन के प्रति भी, और सत्ता पक्ष तो जो अपने लिए करना चाह रहा है वो कर ही रहा है, शासन प्रशासन जो होता है सबके लिए, जनता के लिए एक सा होता है, एक समान होता है।